को पहले नहीं है। हाँ चालू हो गई लाइट का। भैया रो राम राम। आप उन्हें देख रहे बुंदेली चुगली। हम है राजेंद्र त्रिवेदी। वैसे तो कुंभ हो तो जैन को हो इलाहाबाद को हो, लेकिन छतरपुर में आज कुंभ है भाजपा को और कुंभ में सबरे जने विराजमान है। तई आज खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है। पार्टी की सत्ता में वापसी हो रही, बड़ी जोरदार ढंग से हो रही, जैसे कयास लगाए जा रहे थे। और जैसो मिल रहा तो सूत्रन सिंह के भैया जा सीट जा रही, जा सीट जा रही। भाजपा का जो संकट है, भाजपा में जो संकट है, लेकिन वे सब भाजपा ने दरकिनार करत भय अपनो झंडा फिर से गाड़ो, प्रचंड गाड़ो। जैसी उम्मीद जनता का हती कि भैया भाजपा एक बार फिरा है, जनता की जो उम्मीदें हती कि अगर शिवराज सरकार आ रही तो हमारा भलो फिर करे, किसान भी लगे, तो सब जन ने मिल के भाजपा का जिताओ। अब भैया भाजपा के तो सबरे कर्णधार जितते हैं और जितने सूरमा है मैदान की सभ्यता ही बैठी, तो हम एक एक करके आप खा सब जनन खा उनसे सीधे वार्तालाप करवा रहे। उन्हीं से पूछ रहे कि भैया इस चुनाव में आपको कैसी का भूमिका है, किने का कैसी भूमिका निभाई, की को कितनो सहयोग है पार्टी की, फूट भी हती पार्टी में, फूटन भी आई, इसके बाद भी मैनेज करो पार्टी ने। और कांग्रेस यही जगह मात खा गई, कांग्रेस अपनी मैनेज नहीं कर पाई। जैसो कि प्रबंध सिंह का लेके बहुत ज्यादा हाथी के टिकाऊ चाने बेकाऊ नीचाने ऐसो नीचाने वैसो नीचाने, लेकिन भाजपा ने साबित कर दो कि देखो पार्टी को संगठन, पार्टी को कार्यकर्ता और पार्टी की नीति नियत का है। आज वही पार्टी को दोबारा से परचम लहरानो, बड़ी तेजी से लहरानो। तो मैं एक कार्यकर्ता से लगा के, संगठन से लगा के, इनके मंत्री से लगा के सब शामिल एकजुट होके इनने मैदान में बाजी मार दी। अब भैया इतने सबसे पहले तो है जिला भाजपा अध्यक्ष मलखान सिंह दाऊ। अब दाऊ जी से पूछ रहे कि दाऊ जी आज कैसे लग रहे हो, कुंभ में आके कितनी डुबकी लगा? कुंभ में आके बहुत अच्छा लग रहा हूँ, ऐसा लग रहा हूँ जैसा अपन बुड़की के मेला हाँ जावे में अच्छा लगा बुड़की लगा के, ऐसे ही आज कुंभ में आके अच्छा लग रहा हूँ। तो ऐसा अपना आज सब जो अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए उन्हीं कार्यकर्ता की दम पे आज डुबकी लग गई कुंभ में। तो भैया जे है भाजपा अध्यक्ष मलखान सिंह राव। अब हमारे संगे हैं पूर्व मंत्री ललिता यादव राज्य मंत्री, उनसे भी अनुभव पूछ रहे, उनको भी अनुभव का रहो इस चुनाव में आज का खुशी है, कितनी खुशी है? देखो भैया सबसे पहले तो बुंदेली चुगली को हमारी तरफ से राम राम और सभी जनों को हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूरे जिले के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। और हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जितना अच्छा काम सबने करो कि आज भारतीय जनता पार्टी के खाते में जब मलेरा की छिट गई। 14 तारीख है दिवाली है, तो दिवाली सबको 4 दिन बना बाद मना, लेकिन आज हम सभी जने दिवाली मना रहे। सब जानते सबने खूब बदनाम करो, कांग्रेसियों ने बदनाम करो, टिकाऊ बिकाऊ, लेकिन जब जनता बहुत समझदार है, इस जनता को विकास चाहना है, इस जनता को काम चाहना है। सवा साल की कमलनाथ की सरकार में ऐसे त्रस्त तो लोग हो गए थे कि शिवराज मम्मा बार बार याद करने लगे थे। तो शिवराज मम्मा की जीत भाई, भारतीय जनता पार्टी की जीत भाई, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत भाई। और फिर से मजबूती से हमारी शिवराज सिंह चौहान की सरकार पूरे मध्य प्रदेश में किसानों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए काम करेगी। तो भैया जी हैं पूर्व मंत्री, देखो उनको एक एक कहो है कि जो किसान कल्याणकारी योजना चली, जो मताई बहनन के लाने चली, बिटियन के लाने चली, उनकी बदौलत, उनके काम की बदौलत और कार्यकर्तन की बदौलत, और ये पार्टी में यही विशेषता है कि जो अपने कार्यकर्ता का महत्व दे। ये पार्टी में यही विशेषता है कि जो जमीन से निकलो कार्यकर्ता है वही मंत्री बने, तो वही जाके फिर चाय वालों प्रधानमंत्री बना दी। तो भैया इनकी जीत को मुख्य कारण यही है कांग्रेस है, इनसे सीख लो चाहिए। हारत 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 भी शर्म आओ चाहिए। अब वैसे तो कोनो है नहीं है, नहीं हम आपकी लाइव बात भी कराते, लेकिन कोई कार्यकर्ता अब दिखा नहीं रहो, कोनो कांग्रेस को पदाधिकारी है। तो अब भाजपा के भैया एक जने जो है संकट मोचन कहा, संकट मोचन की भूमिका को निभाऊ, हनुमान जी निभाओ, तो इनको नाम इस क्षेत्र में ज्यादा उठ रहा हूँ। और मिनी साहब बन रहे बुंदेलखंड के,
तो अब इनसे पूछो जा रहा भैया इनकी रणनीति का राज चुनाव में जी कैसी भूमिका निभाओ, जमीन से निकाल के आदमी का कैसे आगे बढ़ाओ। एक तो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे तो सब ने अपनी अपनी जिम्मेवारी निभाई, सब नेता ने अपनी अपनी जिम्मेवारी निभाई और यहाँ एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करो। जौन कमलनाथ जी ने जौन झूठ बोल के सरकार बनाई दी 15 महीना में निश्चित रूप से, जौन क्षेत्र की जनता थी वह त्राईमाम कर रही थी, वे सौभाग्यशाली समझ रहे थे अपने आप के जौन हमें 5 साल में बदला ले मिलने दो। जो कमलनाथ ने जो झूठ बोल के चाहे ऐवान के लाने किसानन के लाने माता बहनन के लाने सब झूठ बोल के सरकार बनाई थी, तो उन्हें 1.5 साल में मौका मिल गया तो कि हम वो उनको बदला ले पाएँ और कैसे हम कमलनाथ जी प्रदेश से हटा पाएँ और शिवराज जी की जो 15 साल की सरकार थी उनको विकास फिर से कैसे हम अपने मध्य प्रदेश में चला पाएँ। उनके लाने बड़ा मलेरा की जनता ने आगे आके हमारे कार्यकर्ता ने सब नेता ने चढ़ बढ़ के काम करो जी को परिणाम है कि आज बड़ा मलेरा की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। भैया जी हैं जिला महामंत्री, अब इनको भी वही है कि वो पार्टी को संदेश है, लेकिन आपसे एक सवाल हमारा जो है कि इनको जीत को श्रेय आप की खा दे हो, केंद्र खा दे हो कि प्रदेश खा दे हो कि मिला के दे हो कार्यकर्ता के की खा दे? जो निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा श्रेय तो क्षेत्र की जनता हैं जात है जिन्हें वोट करो है, उसके बाद हमारे कार्यकर्ता हैं निश्चित रूप से, जो केंद्र सरकार की जो योजना है जो चाहे मोदी जी की हो चाहे प्रदेश में शिवराज जी की योजना हो जनता के हित की योजना हो, जनता परिणाम में दिखात है वोट में दिखात है कि केंद्र में मोदी जी जो दिन रात मेहनत करके प्रत्येक निर्णय जो उनके हैं वे जनता के हित में है और प्रदेश की सरकार के जो निर्णय हैं चाहे सरकार बनने के बाद 6 महीना में जो उनके फैसला ले गए उन्हें जो कमलनाथ जी ने जो जनहितैषी योजना आदि पूरी बंद कर दी थी 6 महीना के अंदर, ऐसे संकट के काल में कोरोना के काल में भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से एक सराहनीय काम करो जी को परिणाम। आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 20 से ज़्यादा सीटें जीत के और सरकार फिर से स्थापित कर पाई है। तो भैया कमलनाथ खाब अपना नाम बदलने पर है, अमलनाथ करने पर है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में अमल करो तब तुम्हें सीटें मिले तब तुम जीत हो, हमारे अंदाज से जो चुगली को अंदाज है। अब भैया आगे बढ़त भाई हम फिर से एक बार सवाल करें पूर्व राज्य मंत्री से कि आगे की भाजपा की रणनीति क्या है, इस क्षेत्र के विकास के लाने का बना हो आप रूपरेखा आगे कैसे चले? देखिए इसके पहले हमारे पास भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक था, अब हमारे भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक हो गए, ठीक है। अब जहाँ जहाँ हमारे विधायक नहीं हैं, जैसे छतरपुर में विधायक नहीं हैं, हमने जो देखो कि हमारे विधायक की कार्यकाल के बाद 2 साल में एक रत्ती मात को काम नहीं हुआ है। क्षेत्र में जब हम जाते हैं जनता परेशान हैरान है, तो शिवराज सिंह चौहान जी के माध्यम से सरकार के माध्यम से हम अब इस छतरपुर क्षेत्र में विकास करने का संकल्प करेंगे, क्योंकि जनता को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। भले ही यहाँ से हम उस समय विजय नहीं हो पाए, लेकिन जनता को विकास के उससे क्षेत्र को आगे ले जाएंगे। हम लोगों का यही संकल्प है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने तो इतने काम किए, आज मोदी जी के नेतृत्व में आज देखिए, चाहे हम पीएम आवास की बात करें, उज्ज्वला योजना की बात करें, कितने ऐसे ऐतिहासिक काम हुए। तो हम लोग जब जनता के बीच में काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी और बुंदेलखंड क्षेत्र जो हमारा पिछड़ा कहलाता है इसको आगे ले जाने का काम करेंगे। जैसे कमलनाथ जी ने यहाँ का जो मेडिकल कॉलेज था टेंडर लग चुका था, सब हो चुका था, सिर्फ अनुबंध नहीं हुआ था, छतरपुर का मेडिकल कॉलेज उन्होंने निरस्त कर दिया और कहीं दे दिया, ठीक है। शिवराज सिंह चौहान जब मलेरा में आए उस समय हमने बात की, उनने वादा किया था कि छतरपुर का जो मेडिकल कॉलेज था पुनः छतरपुर में वापस आएगा। तो हम ये विकास के काम करेंगे कि जो कमलनाथ ने 7.25 साल की सरकार ने जो हमारे क्षेत्र के विकास के काम रोक दिए थे उसी का आज हम संकल्प लेंगे और विकास के पूरे जिले में विकास के काम करेंगे। तो भैया देखो विकास की नीति जो उनकी बनी है वो केंद्र से प्रदेश से लगा के वही को अनुसरण इतने करो जे है जो है इनको कह गो। अब भैया अध्यक्ष की बारी पुनः एक दैया फिर से आ गई, वो इसे आ गई कि इनको हम पीछा वे न छोड़ दी, लड़ुआ यही खबा है सबसे ज्यादा यही बटवा है। तो अब जो बताओ जैसे जो तो तैयारी हो गई जो बिगल बच गो और अच्छे से बच गो, अच्छो ढोल बजो, तो क्या कांग्रेस की नंगड़िया भी न बजन दे होगा? नहीं नहीं कांग्रेस की नंगड़िया न बच पाए बस भर। तो आज जो अपनी ऐतिहासिक जीत हो रही 20 के प्लस हो रहे अपन,
तो उनकी काहे में बजरी लगड़ गया। वे तो कहते हैं कि हम 20 में 20 28 में 28 जीत रहे, कहाँ जीत रहे, एक बहुत नीचे आ गए भी, वो अपन 20 के ऊपर जा रहे, तो हम आए तो हमें बस भर तो नहीं भजन देने लगड़ गया। का जो संदेश स्पष्ट जा रहा होगा 2024 भाजपा को, मोदी जी फिर प्रधानमंत्री? बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी तो 24 को खाब है और एक पंचवर्षीय 29 को भी प्रधानमंत्री बनने भाजपा को। चलो भैया, यही के संगे बुंदेली चुगली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी जनन का, ऐसे जीता रहो, ऐसे ही तरक्की करत रहो, देश की करो, प्रदेश की करो, जनता को भलो करो। भैया बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के लाने, बस इतना।